फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ओल्ड आई स्मार्ट। जी हां, ओल्ड आई स्मार्ट की टॉप स्पीड कितनी है ये मैं बताने वाला हूं आपको। तो जो ओल्ड आई स्मार्ट है ये आपकी 4 साल पुरानी गाड़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा चल चुकी है। और आज हम लोग इसकी टॉप स्पीड देखेंगे कि ये कितनी दे रही है टॉप स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो को देखने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है वो बाइक जो कि अभी हम लोग इसकी टॉप स्पीड निकालने वाले हैं। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर कितनी चल चुकी है। ये यहाँ पर चल चुकी है 5,822 किलोमीटर है वैसे इसमें तो। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस स्मार्ट, जो ये स्मार्ट थी ये ओल्ड मॉडल है, अभी इसका ये मॉडल आना बंद हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन था इस जो ओल्ड मॉडल की स्मार्ट थी। और ये बहुत ही अच्छी बाइक है, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो ये इतनी चलने के बाद भी इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो हिल रहा हो। और बहुत ही अच्छी गाड़ी ये निकली, ये 4 साल पुरानी गाड़ी है। आपको मैं बता दूँ ये 2014 में ख़रीदी गई थी ये बाइक। और ये बहुत ही अच्छी बाइक है, इसमें कई फंक्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि जैसे आपके सीट बहुत ही सॉफ्टी एंड ये बहुत ही नीचे है। और यहाँ पर थोड़ी सी टंकी घिस गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान वामान रखा जाता था, इस वजह से ये घिस चुकी है। और सारी बाकी चीज़ें अभी भी वर्क कर रही हैं, एक नंबर वर्क कर रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टैंड का लोगो जो रहता है वो भी इंडिकेट कर रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बाइक निकाली थी हीरो वालों ने। और अभी इसका जो मॉडल है वो न्यू मॉडल का भी मैं रिव्यू और टॉप स्पीड दे दूंगा। आप जा करके वहाँ मेरी जो इसका न्यू मॉडल है उसकी भी मैं टॉप स्पीड और सारी बाकी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो गाड़ी थी इसको मैंने 100% पहुंचा दिया, और क्या बोलते हैं, इसकी जो क्लच प्लेटें थी वो जल गई हैं अंदर, और मैं अभी रास्ते में खड़ा हूँ। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा मेरे साथ हो सकता था। और आप भी ज़्यादा कस के गाड़ी ना भगाइए कराइएगा, जैसे 110 सीसी की गाड़ी है तो वो कम से कम 90, 60, 70 यही चलाइए, और ज़्यादा अगर आप भगाएंगे तो इसमें से धुआं निकलने लगा था पूरा नीचे तक का, और जो इसकी जो हीटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, अंदर जो है क्लच प्लेटें जल चुकी हैं, अंदर से धुआं आने लगा था, तो मैंने गाड़ी रोक दिया है। और ज़्यादा टॉप स्पीड निकालने की कोशिश ना करिएगा, यही मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो अच्छी तरीके से जाँच परख लें। यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ा बहुत धुआँ निकल रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो में दिखाई नहीं पड़ेगा। अंदर जो इसकी कोई भी क्लच प्लेट जल चुकी है, तो अभी मैं कैसे घर जाऊंगा ये भी मुझको नहीं पता है। तो आप भी ऐसा करिएगा कि 110 सीसी की अगर बाइक हो तो 90, 60, 70 ही चलाइए, ज़्यादा ना चलाइए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ही रिक्सी हो सकता है। तो जैसे ही क्लच प्लेट जल गई अंदर से, ये जो क्लच है ये बहुत ही ढीला हो गया था, तो मैंने क्या किया, धीरे से इंडिकेटर दे करके अपना जो किल स्विच था, मतलब कि जो जिसमें चाबी लगाई जाती थी, उसको ऑन ऑफ कर लिया है, और मतलब ऑफ कर लिया था, और फिर गाड़ी को किनारे लगा लिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगा, और यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि धुआं धुआं हो गया था, अगर मैं और भी ज़्यादा तेज़ स्पीड करता तो शायद इसमें से आग लग सकती थी, इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। आप भी ऐसा ना करिएगा। और यहाँ पर अभी मैंने क्लच को टाइट किया है, अभी थोड़ी देर बाद इंजन जब ठंडा हो जाएगा तो मैं घर जाने की कोशिश करूँगा कि शायद मैं घर चला जाऊँ, लेकिन अभी देखते हैं क्या होने वाला है। आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करा करिए कि कोई भी गाड़ी को। अगर आप भी सोच रहे होंगे यूट्यूब चैनल बनाने को, तो इसमें बहुत ही काम रिस्की रहता है, और मेरे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और पैसे भी नहीं आते, इस वजह से आप लोग भी ऐसा ना करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझको नहीं लगता है कि अगर यूट्यूबर है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पॉपुलर वीडियो हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों के कहने की और ये जो यूट्यूबर लोग रहते हैं उनके कहने की बातें रहती हैं, तो ऐसा ना करिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अभी मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं, 1300 कुछ सब्सक्राइबर है, और अभी मुझको एक भी रुपए नहीं आया है, और मैंने कितने रुपए लगा चुके हैं यूट्यूब चैनल के पीछे कि कभी ये वाली लाइट लगाना है, कभी फॉग लाइट लगाना है, कभी हैंडल बार लाइट लगाना हो, सारी वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होंगी, आप वहाँ से जा करके देख पाएंगे। लेकिन आप कभी भी ऐसा ना करिएगा। अभी यहाँ पर क्लच प्लेट ही केवल जली है, कोई भी और दिक्कत नहीं आई। मान लीजिए अगर टॉप स्पीड निकालते समय पिस्टन टूट जाता ना, तो और भी मेरी हो जाती, वॉट लग जाती, क्योंकि गाड़ी गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि टॉप स्पीड निकालने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।